हेलो एवरीवन, इस वीडियो में रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 8th क्लास की एसएसटी की चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन। तो इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट नोट्स बनते हैं इस चैप्टर के, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप चाहे तो साथ साथ इनको कहीं पर लिख भी सकते हैं, काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे सेकेंड ग्रेड का हो, या फिर रीट एग्जाम हो, यहाँ तक कि आरएस एग्जाम में भी हर बार, ऐसा नहीं है कि कभी कभार आते हैं और कभी कभार नहीं आते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलन से एक दो क्वेश्चन हर बार बनते हैं। मैं आपको रीट एग्जाम की बात करूं तो 2018 में 2-3 प्रश्न केवल इस एक चैप्टर से बने थे, तो ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी विरोधी असंतोष को वैधानिक रूप देने के लिए एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। देखिए, अंग्रेजों को उस समय लग रहा था, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो देखिए 1885 में। 1885 से पहले अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि भारत में वापस एक बार विद्रोह होने वाला है, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी ताकि उस विद्रोह को दबाया जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, आपने जरूर पढ़ा होगा ये। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की पहली बैठक हुई मुंबई के ग्वालिया तालाब इलाके में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तो यह स्थान ध्यान रखिएगा, पहली बैठक कहां पर हुई। पहले अध्यक्ष किने बनाया गया, बंगाल के व्योमेश चंद्र बनर्जी को, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे थे ये। जनरल सेक्रेटरी किसको बनाया गया था, तो कांग्रेस अधिकारी एनल ऑक्टेवियन ह्यूम को, एओ ह्यूम को। तो ये फैक्ट आपको बेसिक ध्यान रखने हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1890 के दशक के मध्य भारत में अकाल फैला था। अकाल के बावजूद भी अंग्रेजों ने बड़ी सख्ती से किसानों से लगान वसूल किया था। मध्य व जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत में प्लेग का प्रकोप फैला, फिर भी सरकार को कोई चिंता नहीं थी इन सभी के बारे में। फिर 19वीं-20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं। देखिए, महाराष्ट्र में तिलक ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लेख लिखे थे और इनके अखबार के नाम आप ध्यान रखिएगा, तिलक के अखबार है मराठा और केसरी अखबार। तिलक को उग्रवाद का जनक कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है, उग्रवाद का जनक। इनका मत था भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये किसका मत है, तो तिलक का मत है। तिलक ने शिवाजी व गणपति उत्सवों के माध्यम से नई जागृति पैदा की थी, जनता में स्वराज का मंत्र फूका, चापेकर बंधुओं के द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी गई थी। इस पर तिलक ने पत्रों में टिप्पणी की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो चापेकर बंधु थे उन्होंने प्लेग कमिश्नर की हत्या की, तो फिर तिलक ने क्या किया कि इस घटना का वर्णन अपने पत्रों में किया। तो उन्हें हिंसा व राजद्रोह के मामले में 18 माह के कठोर कारावास की सजा दे दी गई। गिरफ्तारी पर जनता की रोषपूर्ण प्रतिक्रिया ने उन्हें लोकमान्य बना दिया, इसलिए इनको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं। देखिए, इन्होंने होम रूल लीग का भी संचालन किया था, कब, 1916 ईस्वी में, बेलगाम से। स्थान भी आप ध्यान रखिएगा, बेलगाम। और कहां कहां पर किया था, तो देखिए कर्नाटक है और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बॉम्बे को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में होम रूल लीग का संचालन तिलक के द्वारा ही किया गया था। और देखिए ये इफेक्ट काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में, किन किन के मध्य, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। तो ये समझौता किसने करवाया, तो देखिए ये समझौता संपन्न करवाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और इनका देहांत कब होता है, 1920 में, 1 अगस्त 1920 में। 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रीय आंदोलन अति तो तब हुई जब प्रशासनिक दक्षता के नाम पर, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के नाम पर बंगाल का विभाजन कर दिया गया। और ये कब किया गया, तो 1905 में।
अतः इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ हुआ। कांग्रेस का शुरुआत अधिवेशन, देखिए कांग्रेस का जो शुरुआत अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1907 में, और इसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। तो देखिए गरम दल देखते हैं, गरम दल लेखा पढ़ी के अलावा भी कुछ करना चाहिए, जैसे कि हड़ताल है, अंग्रेजों का आर्थिक बहिष्कार है। तो ये जो गरम दल के नेता थे उनका मानना था, तो गरम दल के जो प्रमुख नेता थे इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, पंजाब से थे लाला लाजपत राय, बंगाल से विपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों का नाम आप ध्यान रखिएगा, ये गरम दल के समर्थक थे। दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन करके बंगाल विभाजन निरस्त किया गया था। तो ये आपसे एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, वो बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो देखिए उस समय दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए थे, तो बाद में भारत आने पर उन्होंने बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन काफी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर फैक्ट आपको याद होना चाहिए। यह देश की, देखिए उस समय राजधानी को कोलकाता से हटाकर दिल्ली में लाने का फैसला लिया गया था दिसंबर 1911 में। अब आगे देखते हैं, 1914 से 1947 तक यूरोप में फर्स्ट महायुद्ध कब शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, कब तक चला था 1918 तक। 1919 में सरकार ने रॉलेक्ट एक्ट कानून पारित किया, सरकार का विरोध करने पर जेल भेज दिया जाता था। इस रॉलेक्ट एक्ट के तहत अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होने वाली इस सभा पर गोलियां बरसा दी गई, और ये किसके द्वारा बरसाई गई, तो जनरल डायर के द्वारा। तो ऐसा आदेश जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। बाद में जनरल डायर को क्रांतिकारी उद्धम सिंह ने लंदन में जाकर मारा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाद में उद्धम सिंह वहां पर पकड़े गए थे और इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। आगे चलते हैं, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, तो देखिए 1920 में, डेट भी आप ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 1920 से ये शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। फिर 1922 में गोरखपुर जिले के चोरी इलाके में पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया गया था, तो फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। देखिए डेट आप ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था 1922 में। साइमन कमीशन 6 सदस्यों के साथ 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा, तो ये आपको डेट ध्यान रखनी है। साइमन कमीशन कितने सदस्यों के साथ, 6 सदस्यों के साथ मुंबई कब पहुंचा, तो 3 फरवरी 1928 को। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, अतः जनता में इसके विरुद्ध रोष था। जब लाहौर में विरोध का नेतृत्व लाला जी कर रहे थे, तब वहां पर जो पुलिस अधिकारी थे सैंडर्स ने उन पर लाठियां बरसाई, सिर पर गंभीर चोटों से कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, किनकी, लाला जी की। फिर भगत सिंह और उनके साथियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, जो लाला जी को इस तरह पीट कर मारा गया, भगत सिंह और उनके जो साथी थे सुखदेव हो और राजगुरु हैं, इन सभी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक है, लाहौर में जाकर सैंडर्स की हत्या कर दी थी। बाद में इन्होंने केंद्रीय विधानसभा के अंदर एक बम विस्फोट किया था, तो बाद में फिर ये पकड़े गए थे और इनको फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को फांसी कब हुई, तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 23 मार्च 1931 को। और देखिए कुछ समय पहले ही, यानी एक महीने पहले, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने भी अंग्रेजों से लड़ते हुए ये शहीद हो गए थे। देखिए इनको फांसी नहीं हुई थी, ये आजाद पार्क में शायद पकड़े गए थे और वहां पर इन्होंने सेल्फ सुसाइड कर दिया था।
तो ये डेटें आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, 1930 में नमक बनाने के लिए लोग गुजरात से दांडी स्थान पर पहुंचे, पुलिसों ने लोगों पर लाठियों से वार किया परंतु लोगों ने वापस वार नहीं किया। तो ये आप ध्यान रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, दांडी मार्च। तो ये आप ध्यान रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दांडी मार्च। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति, इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को, और कब शुरू हुआ तो अगस्त 1942 में। देखो एक व्यक्ति था हेमू कलानी, जिनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1923 को। सिख प्रांत के सक्खर में इनका जन्म हुआ था। 1942 ईस्वी में इसे जानकारी मिली कि अंग्रेजी सेना हथियारों से भरी हुई रेलगाड़ी अरोड़ी शहर, जो कि सिंध प्रांत में पड़ता था, से होकर गुजरेगी। किसको पता चला, हेमू कलानी को। तो वहां पर इसने पटरी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां पर वो पकड़ा गया था, हेमू कलानी। फिर 21 जनवरी 1943 को सक्खर में हेमू कलानी को फांसी दे दी गई थी। तो इनके संबंध में आपको ये डेटें ध्यान रखनी है सारी। जन्म वाली डेट आप ध्यान ना रखो तो भी चलेगा, लेकिन 1942 में ये घटना आपको ध्यान रखनी है। किनके संबंध में, पटरी को तोड़ने से संबंधित हेमू कलानी के बारे में, और इनको फांसी कब दी गई ये भी डेट आपको ध्यान रखनी है। तो ये कब दी गई, 21 जनवरी 1943 को। और इनकी इनसे पूछा गया था जब इनको फांसी दी गई अंतिम इच्छा, तो इन्होंने कहा कि मैं वापस भारतवर्ष में पुनः जन्म लेना चाहता हूं। अब देखिए वी डी सावरकर, लास्ट बार रीट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना था वी डी सावरकर से संबंधित। महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगुर गांव में 28 मई 1883 को जन्म हुआ था इनका। इनके पिता का नाम है दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम था राधाबाई। मैट्रिक की पढ़ाई के लिए विनायक पुणे गए थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा फैक्ट है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैट्रिक की पढ़ाई के लिए कहां पर गए थे, पुणे गए थे, और तिलक के संपर्क में वहां पर भी आए थे पुणे में। कानून की पढ़ाई के लिए विनायक कहां पर गए थे, बंबई। उस समय इंग्लैंड में रह रहे प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने विनायक के लिए लंदन में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था रीट एग्जाम 2018 में, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से बना था उस समय, और सेम लैंग्वेज थी उसकी कि जो वी डी सावरकर थे, वी डी सावरकर को लंदन में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो फिर बाद में व्यवस्था करने के बाद में सावरकर लंदन गए। लंदन में विनायक ने श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया था। सावरकर की पुस्तक का नाम आप ध्यान रखिएगा 1857 का स्वातंत्र समर। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश जेल में रखने के बाद मारिया नामक, ये आप ध्यान रखिएगा जलियान का नाम है मारिया, मारिया नामक जलियान से इनको बंबई भेज दिया गया। तो जब देखिए वो इंग्लैंड से रवाना हुए, तो थोड़े रास्ते बाद में ही रास्ते में विनायक जहाज से कूद गए थे, और जहाज से निकलने के बाद में तैरकर फ्रांस की सीमा तक पर वो पहुंचे थे, लेकिन वहां पर फ्रांस की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद वापस किसको सौंप दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया। बाद में भारत उनको वापस लाया गया, और 2 आजन्म कारावास की उनको सजा देकर 11 वर्ष तक अंडमान की सेलुलर जेल में काले पानी की कठोर यातनापूर्ण सजा इनको दी गई थी। लौटने पर विनायक को रत्नागिरी महाराष्ट्र में नजरबंद किया गया था, और इनको कब मुक्ति मिली, 1937 ईस्वी में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, सावरकर से संबंधित है। इनकी मृत्यु कब हुई, तो 26 फरवरी 1966 को। आगे देखते हैं यहां पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है 23 जनवरी 1897 में।
इन्होंने देखिए आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में ये छोड़ भी दी थी। और 2 बार कांग्रेस अधिवेशनों के ये अध्यक्ष रहे थे। कब कब? 1938 और 1939, हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरा अधिवेशन। 1943 में आजाद हिंद फौज की जो कमान इन्होंने संभाली थी सुभाष चंद्र बोस ने। 1944 में बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज के अभियान व 1946 ईस्वी में नौ सैनिकों के विद्रोह से अंग्रेजी सरकार भयभीत थी। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 18 अगस्त 1945 ईस्वी में विमान दुर्घटना में, ऐसा माना जाता है। तो इनके संबंध में सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय आंदोलन और राजस्थान। बिजोलिया किसान आंदोलन, 84 किस्म के कर किसानों से उस समय लिए जाते थे। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1897 से लगाकर और ये समाप्त हुआ था 1941 में। तो ये टाइम पीरियड भी आप ध्यान रखिएगा। 1913 में साधु सीताराम दास के ने इस व्यवस्था का विरोध किया। किस व्यवस्था का? जो ये किसानों से कर लिया जाता था 84 किस्म का। 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक व माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने बेगार करने से मना कर दिया और कर भी नहीं दिए। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो प्रजामंडल ने मांग रखी कि रियासतें भी अंग्रेजों से नाता तोड़े। और ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि प्रतापगढ़ में अमृत लाल के नेतृत्व में हरिजन सेवा समिति का गठन किया गया था। अब आगे चलते हैं राजस्थान के क्रांतिकारी नेता। क्रांतिकारी नेता काफी अधिक इंपोर्टेंट है। आरएस एग्जाम में हर बार क्रांतिकारी से संबंधित एक दो क्वेश्चन आते हैं और रीट एग्जाम में भी लास्ट बार केसी सिंह बारट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। अर्जुन लाल सेठी, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1880 में जयपुर में। और देखिए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण किया था। जब इन्हें जयपुर के पीएम का पद प्रस्तावित किया तो इन्होंने कहा था कि श्रीमान अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा। और इनका नाम आता है किन किन हत्याकांड और षड्यंत्र में? तो निमाज हत्याकांड और दिल्ली षड्यंत्र में। और बाद में इनको फिर गिरफ्तार करके कहां पर भेज दिया गया था? वेल्लूर जेल। कहां पर पड़ती है? कर्नाटक में। 1920 में रिहा होने पर कांग्रेस में शामिल हो गए। और जीवन यापन इन्होंने कहां पर किया था? अर्जुन लाल सेठी ने अजमेर की एक दरगाह में मुसलमान बच्चों को अरबी फारसी पढ़ाते थे। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 22 सितंबर 1941 को। तो ये बेसिक बेसिक फैक्ट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। और ये आपको जरूर ध्यान रखना है इनको कौन सी जेल भेजा गया था? तो वेल्लूर जेल में। और किन किन हत्याकांडों में इनका नाम आया था? तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे देखते हैं गोपाल सिंह खरवा। अजमेर मेरवाड़ा में खरवा ठिकाने के राव गोपाल सिंह राजस्थान के क्रांतिकारी थे। आर्य समाज से प्रभावित थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सन्याल ने उत्तरी भाग में सशस्त्र क्रांति की एक योजना तैयार की। खरवा इससे जुड़े हुए थे। किसी क्रांतिकारी ने यह योजना अंग्रेजों को बता दी थी। तो देखिए जो रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा उत्तरी भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए जो योजना बनाई गई थी, इस क्रांति की योजना को अंग्रेजों को बता दिया था किसी क्रांतिकारी के द्वारा। तो जून 1915 में ब्रिटिश सरकार ने राव गोपाल सिंह को आदेश दिया कि 24 घंटे में खरवा छोड़कर टॉडगढ़ चला जाए और वहां पर पुलिस की निगरानी में रहे। फिर वो जब टॉडगढ़ चले गए तो टॉडगढ़ चले जाने के बाद में 10 जुलाई 1915 को टॉडगढ़ से वो भाग गए थे। और कहां पर चले गए थे? सलेमाबाद। और सलेमाबाद में वो पकड़े गए थे वापस। और देखिए सलेमाबाद में किसकी पीठ है? निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, प्रसिद्ध पीठ। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और पकड़े जाने के बाद फिर इनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया था, दिल्ली की तिहाड़ जेल में गोपाल सिंह खरवा को।
और वहां से कब रिहा हुए, फिर 1920 में, और फिर रचनात्मक कार्यों में संलग्न हो गए थे। 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है, मार्च 1956 में। देखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट, केसी सिंह बारट, लास्ट बार 2018 में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। इनका जन्म कब हुआ, 1872 में शाहपुरा भीलवाड़ा के समीप देवपुरा में। बाद में वे उदयपुर के महाराणा के पास चले गए थे। 1903 ईस्वी में होने वाले दिल्ली दरबार में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के सम्मिलित होने के समाचार मिले तो क्रांतिकारियों को महाराणा का यह कदम अनुचित लगा। महाराणा जब दिल्ली दरबार में जाने लगे तब केस सिंह बारट ने 13 शॉट लेके, जिनको चेतावनी रा चुंगटिया कहते हैं, तो ये चेतावनी के चुंगटी भेजे गए थे किनके पास, फतेह सिंह के पास। लास्ट बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चेतावनी रा चुंगटिया किसके द्वारा लिखे गए, तो केस सिंह बारट के द्वारा। महाराणा दरबार में शामिल नहीं हुए। प्यारे लाल साधु हत्याकांड में केस सिंह बारट का नाम आता है, जिसके कारण इनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है, और 20 वर्ष की इनको सजा मिलती है। 1920 में इनको रिहा कर दिया जाता है। केस सिंह का जो शेष जीवन है वो कहां पर बीता, तो कोटा में बीता, और इनका निधन हुआ था 1941 में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखिएगा। देखिए इनको 20 साल की सजा जरूर हुई थी, लेकिन समय से पहले इनको छोड़ दिया गया था। प्रताप सिंह बारट, जन्म कब हुआ इनका, 24 मई 1893 ईस्वी में, कहां पर, तो उदयपुर में। और इनके पिता कौन है प्रताप सिंह बारट के, केसी सिंह बारट। केसी सिंह ने प्रताप को अर्जुन लाल सेठी के वर्धमान स्कूल में पढ़ने भेजा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्धमान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई, किसकी है, तो अर्जुन लाल सेठी की। देखिए हैदराबाद सिंध से बीकानेर लौटते समय जोधपुर के पास आसानाडा स्टेशन पर मास्टर ने, जो स्टेशन मास्टर था, इसने धोखा देकर इनको पकड़वा दिया था। तो ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर इनको कहां पर रखा गया, बरेली जेल में। बरेली जेल में फिर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप पर रास बिहारी बोस व अन्य क्रांतिकारियों की जानकारी के लिए दबाव डालना शुरू किया था। क्लीवलैंड ने कहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना दुखी है, वह आंसू बहाती रहती है। तब प्रताप ने क्या कहा, तुम कहते हो कि मेरी माँ मेरे लिए रात दिन रोती है और बहुत दुखी है, किंतु मैं अन्य सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता। तो इनकी मृत्यु कैसे होती है, तो देखिए इनकी मृत्यु बरेली जेल में ही होती है। घोर यातना इनको दी गई, अतः 27 मई 1918 को इनका देहांत हो गया था जेल में। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हमारा टॉपिक है जोरावर सिंह बारट, केस सिंह के ये भाई थे। 1912 ईस्वी में दिल्ली में वायसराय होर्डिंग्स के जुलूस पर वायसराय पर बम फेंका था, तो वायसराय तो बच गए किंतु महावत मारा गया था। ये वहां से भूमिगत हो गए। बाद में मालवा व बागड़ क्षेत्र में साधु वेश में अमरदास वैरागी के रूप में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था। आरा मर्डर केस में भी इनका मुकदमा या फिर इनका वारंट जारी हुआ था इनके खिलाफ। और देखिए ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऐसे कौन से क्रांतिकारी हैं जो अंग्रेजों के द्वारा कभी भी नहीं पकड़े गए या फिर नहीं पकड़ पाए अंग्रेज इनको। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो, सारे फैक्ट मैंने आपके सामने रखे हैं, और जितने भी फैक्ट रखे हैं वो आपके जुबान पर होने चाहिए। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि आप केसी सिंह बारट के संबंध में 5 या 10 पंक्तियां बोल के बताएं, 10 पंक्तियां बोल के बताएं, तो जितने भी फैक्ट बताए वो आपको याद होने चाहिए। जब आपको याद होंगे तब आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगर आपने नहीं लिखे हैं नोट्स तो लिख सकते हैं, ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।